बहुत अच्छा लगा है। वास्तव में क्या है, हमारे खनिज पदार्थों को निकालने के लिए खुदाई करना उसका एक प्रकार रहता है, परंतु उसके साथ ही साथ इस प्रकार का पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस प्रकार का निर्माण करना, ये अपने आप में केवल यहाँ के एनवायरनमेंट की दृष्टि से ही नहीं, एक समाज के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देने की बात रहती है। हम लोग जो शिक्षा में काम करने वाले लोग हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ में इसीलिए यहाँ आए हैं कि प्रकृति की दृष्टि से उनको क्या समझना चाहिए। कोयला खदान से निकलता है, ये हमारे देश की संपत्ति खनिज पदार्थ के नाते से है, परंतु इसके साथ ही साथ ये जो पर्यावरण का वातावरण है, इसमें आप सबने जो किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। बहुत ही अच्छा इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया है। हमारे ये बच्चे जो एक लगभग 1000 बच्चे यहाँ आए हैं आपके साथ, ये भी इस प्रकार का मैसेज देकर के यहाँ से जाएंगे और अपने जीवन में इस दृष्टि से कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और आगे इसको और कैसा देखना चाहेंगे इसके बारे में अगर आप कुछ कहें, क्योंकि आप तो अध्यापक हैं, आप बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। तो कैसे हम अपने आने वाले जो ये है युग, उनको कैसे बताया जाए कि पर्यावरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खनिज हो या जितना भी अपने देश को उन्नत देखना है, तो पर्यावरण के साथ चलना, तो इसके लिए आपका मुझे लगता है दो तीन चीजों का प्रयास करना चाहिए। एक तो समाज के सामने इस प्रकार की चीजें अधिक उभर करके आए। आज के समय में समाज के सामने विविध प्रकार के सोशल मीडिया से लेकर के हमारे पास में बहुत प्रकार के ऐसे संसाधन है जो इस सब प्रकार की चीजों को, जो आज का जो यूथ है वो इस प्रकार का मोटिवेट होकर के कुछ करना भी चाहता है, और उसको कैसे हम जोड़ें। बहुत प्रकार के समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपना समय दे करके यहाँ कुछ न कुछ हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छे काम में हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो समाज के सामने इन अच्छी बातों को प्रसार कैसे करना, इसका एक विचार करना। दूसरा, एक टूरिज्म की दृष्टि से आप लोगों ने वैसे विचार भी किया है, अभी चर्चा हुई है, परंतु मुझे लगता है कि टूरिज्म की दृष्टि से बहुत अच्छा एक ये स्थान ये विकसित हो सकता है और आगे चल करके भारत के एक बड़े नक्शे के अंदर एक अच्छे बड़े टूरिस्ट प्लेस के नाते से इसका विकास किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों को, ताकि हम कुछ बता सकें। जी जी। भारत कुकिंग कुल खदान में तो काम करती है लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी सोच रही है, ये मैसेज जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ हमें नहीं बच्चों को भी, आज के सबको पर्यावरण के लिए काम करना है। तो हमारे आवश्यक, मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, हम लोग भी देखते हैं कि किस प्रकार की आवश्यकताएं समाज के अंदर, हम प्रकृति का जो शोषण करने की एक प्रकृति रही है मनुष्य की, उससे कैसे डाइवर्ट करें और इसका दोहन करते हुए प्रकृति को हम जितना ले रहे हैं उतना ही देने की स्थिति कैसे आ सकती है। जितना हम प्रकृति से कोयला निकाल रहे हैं उससे अधिक हम इस पर्यावरण की दृष्टि से प्रकृति को दे सकते हैं, इसका भी एक मैसेज इसके जाता है। जी सर, आशा करती हूँ कि आप तो फ्यूचर में भी यहाँ आएंगे और इसको और भी विकसित रूप में देखेंगे। बारे में संदेश देंगे आप इस सरकार को, तो सरकार के साथ में हम लोग मिलकर के काम करते ही हैं। सरकार को हमेशा हम इसी बात को कहना चाहेंगे कि इसको विकसित करने के लिए सरकार का भी अपना एक जो दायित्व रहता है उसके अंदर उस प्रकार का सहयोग, सरकार भी और समाज भी मिलकर के, क्योंकि ये जितना बड़ा काम है और जितना बड़ा प्रकृति की आवश्यकता लगती है उसमें समाज और सरकार दोनों को मिलकर के एक बराबर का प्रयास करना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा है। धन्यवाद।